हेलो दोस्तों, आज की मेरी रेसिपी मशरूम मटर की सब्जी है, जिसे मैंने बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाया है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी, प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मशरूम को साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के लिए मैंने यहाँ पे एक चुटकी आटे का यूज़ किया है। फिर इसे हम पानी में धोकर साफ़ कर लेंगे और इसे इक्वल पीसेस में काट कर निकाल लेंगे, रख लेंगे। मशरूम मटर बनाने के लिए हम पैन को गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे तेल। सरसों तेल का यूज किया है मैंने। अब इस तेल में थोड़ा सा तेल हल्का गर्म हो जाए, अब मैं डालूंगी इसमें जीरा, तेजपत्ता और थोड़े से लौंग। इन सबको थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें हम प्याज डाल देंगे। हमने यहाँ तीन बड़े बड़े प्याज बारीक काट के रखा है, अब मैं उसको इसमें डाल दूंगी। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये देखिए दोस्तों, गोल्डन ब्राउन हो चुका है प्याज। अब हम इसमें सारे मटर को डाल देते हैं। अभी डालेंगे मटर तो ये अच्छे से गलेगा, इसलिए इस पैन पे डालना बहुत ज़रूरी है, ताकि प्याज भी थोड़ा थोड़ा गले और इसके साथ मटर भी। और इसी में हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, वो भी मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। फटाफट से इसको मैं चला देती हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों मैं बता रही हूँ ये रेसिपी, लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट बनेगा। ये देखिए मैंने नमक डाल दिया। सारे चीज इकट्ठे एक साथ पकेंगे, अच्छे से निकल जाएगा। और एक लाजवाब सा टेस्ट देगा ये, बिल्कुल एक एक स्टेप फॉलो कीजिएगा। मटर मशरूम की सब्जी बहुत ही लाजवाब बनेगी। ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छे से गल चुका है ये मटर। अब मैं इसमें डालूंगी, यहाँ मैंने दो टमाटर पीस के रखा है, अब मैं इस पेस्ट को इसमें डाल दूंगी। अब इसी में हम थोड़ा थोड़ा सूखा मसाला भी डालेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ इतना लगभग एक चम्मच मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, दो चम्मच धनिया पाउडर, लगभग आधी चम्मच है ये मिर्च पाउडर। आपको तीखा जितना पसंद है आप तीखा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने जीरा और गोल मिर्च का पाउडर रखा है, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और साथ ही मैं डालूंगी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये देखिए दोस्तों, इन सबको मैं पकाऊंगी थोड़ी देर। इस सारे मिश्रण को कम से कम हम 5 से 7 मिनट पकाएंगे। फ्लेम मीडियम से थोड़ा सा कम रखेंगे हम, लो के आसपास। और अब हम इसे 5 से 7 मिनट पकाएंगे। बीच बीच में हम इसे मिलाते भी रहेंगे।
ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया सा ऑयल सेपरेट हो गया है और ये अच्छे से पक चुका है। अब इसी टाइम हम मशरूम को भी इसमें डाल देते हैं और 5 मिनट के लिए इसे भी पका लेंगे, नहीं तो ये बेचारा नाराज हो जाएगा। इसीलिए अब इस दोनों को हम और एक्स्ट्रा 5-6 मिनट पका लेते हैं। ये जब पकेगा ना तो इसका जो टेक्सचर है आपके मुंह में स्वाद का बम फूटेगा दोस्तों। इसीलिए बिल्कुल मेरे बताए तरीके से आप लोग बनाइएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। ढक के आराम से 5-6 मिनट के लिए पका लेते हैं। ये देखिए दोस्तों मशरूम मटर दोनों पक चुका है, बहुत अच्छे तरीके से मसाला भी पक चुका है। अब इस टाइम मैं डालूंगी थोड़ा सा कसूरी मेथी, दो मिर्च भी मैं डाल देती हूँ और ये अदरक का टुकड़ा। अब ये सबको भी मैं डाल के 2 मिनट पका लूंगी। ये देखिए दोस्तों अब सारे मसाले पक चुके हैं, अच्छे से सारा मिश्रण पक चुका है, सारे मसाले खुश हो गए, मटर भी मशरूम भी। अब जब ये सारे खुश हैं तो मजा तो खाने वाले को आएगा। अब मैं इसमें डालूंगी पानी ग्रेवी के लिए, पानी डाल देती हूँ। और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर सबको अच्छे से मिला देती हूँ। ग्रेवी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, आपको जैसा पसंद, बट एक स्मूथी टेक्सचर इसका ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ज़्यादा पानी भी ना दें। अब इसे 2-3 मिनट ढक के पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए दोस्तों क्या मज़ेदार सी सब्जी बनी है मशरूम मटर की। अब हम इसे धनिया पत्ता से गार्निश कर देते हैं और सर्व कर लेंगे। हम इसे सर्व कर लेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you like my today's video, then do like, share and subscribe my channel. Thank you. Bye guys. Take care.